ये जेनरिक एट है और क्लास सिक्स यहाँ लिखा है, लेकिन ये सेवन्थ और एट्थ सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। फटाफट स्टार्ट कर देते हैं इस वर्कशीट को। और ये जो जेनरिक वर्कशीट है ना, स्पेशली जो है वो टीचर्स डे पर रहेगी, और यहाँ पर लिखा भी है कि जो थीम है वो टीचर्स डे है। फटाफट पढ़ते हैं। यहाँ बोला गया रीड द फॉलोइंग पैसेज, आपको पैसेज पढ़नी है, उसके बाद आपको आंसर्स देने हैं गिवन क्वेश्चंस के। ठीक है, तो पहले समझ लो मैंने आंसर के साथ इसे किया है, फिर आप अच्छे से देख सकते हैं। फटाफट पढ़ते हैं। टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th September एवरी ईयर। आप सब जानते हैं कि जो टीचर्स डे है वो 5th September को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर। यस या नो? किया जाता है ना। वी सेलिब्रेट दिस डे इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस दिन को हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन, ये जो पैदा हुए थे ना, ये 5th September 1888 में होते हैं। ठीक है, इसलिए इस दिन इनका बर्थडे भी आता है और इसी दिन को हम टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ही वॉज अ ग्रेट टीचर, ये बहुत महान अध्यापक थे। लेटर ही बिकेम सेकेंड प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, बाद में ये भारत के दूसरे नंबर पर राष्ट्रपति बने। पहले नंबर पर आप जानते होंगे कौन बने, राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, है ना। दूसरे नंबर पर जो है ये हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने थे। ऑन दिस डे, इस दिन, जिस दिन टीचर डे है, द स्टूडेंट्स विश देयर टीचर्स। इस दिन जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, अपने टीचर्स को विश करते हैं एंड एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड, और अपना जो कृतज्ञता है वो दिखाते हैं कि सर के प्रति, सर आप बहुत बढ़िया हो। जो भी टीचर्स होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेट होते हैं, उनके लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं, है ना। तो बच्चे भी फिर उनको जो है क्या करते हैं, अपनी फीलिंग, अपना जो कृतज्ञपन है वो दिखाते हैं, है ना। दे ब्रिंग स्माइल ऑन द फेसिस ऑफ देयर लविंग टीचर्स बाय डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन स्कूल। और प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं ना, वो भी स्कूल के अंदर कई प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं कि हमारे टीचर और खुश हो जाए, है ना। जैसे आप बहुत अच्छे नंबर लाते हैं ना बच्चों, तो टीचर्स आपके बहुत खुश होते हैं, क्योंकि टीचर्स को असली में यही चाहिए कि आपका भविष्य बहुत अच्छा हो। देखिए, अब हम फटाफट क्वेश्चन और उनके आंसर कर लेते हैं। जो 3 क्वेश्चन है ये तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है। तो आंसर के साथ ही आपको दिखाऊंगा, फटाफट पढ़ लेते हैं। पहले, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे एज, ये कह रहे हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन है ना, वो अपना जो बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे वो किस रूप में करना चाहते थे, चिल्ड्रंस डे में या टीचर्स डे में। आप क्या लिखेंगे? टीचर्स डे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही बिकेम द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बताओ, इंडिया के जो प्रेसिडेंट बने थे वो कौन से नंबर के बने थे, सेकंड या थर्ड? सेकंड पे बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है। और थर्ड पर जो है हमारे जाकिर हुसैन जी बने थे, ठीक है। समझ में आ गया इसका आंसर। उसके थर्ड है, ही वॉज अ ग्रेट डैश, बताओ वो इतने बड़े महान कौन थे, लॉयर थे या टीचर थे? तो आप यहाँ लिखेंगे टीचर थे। क्लियर हो गया? पहले शुरू के 3 समझ में आ गए, अब चौथा करना है आपको। कॉपी पर जो करोगे ना, वैसे ही करोगे जैसे आप करते, पहले ऊपर सारा डिटेल लिख देंगे, स्कूल जो भी आप लिखते हैं, जर्नी वर्कशीट डेट वगैरह। उसके बाद आप यहाँ से लिख देना आंसर्स, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। उसके बाद चौथा देखें। अब आ जाइए 4th क्वेश्चन में। ये कह रहा है, हाउ डू स्टूडेंट्स सेलिब्रेट टीचर्स डे इन स्कूल। जो बच्चे हैं ना स्कूल के अंदर कैसे मनाते हैं टीचर्स डे, तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स सेलिब्रेट द टीचर्स डे बाय डिफरेंट वे, ठीक है। मतलब अलग अलग तरीके से मनाते हैं। आप ये लिखना चाहें तो लाइन लिख सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे, ऑन दिस डे, इस दिन, द स्टूडेंट्स विश देयर टीचर्स, इस दिन जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर्स को विश करते हैं, ठीक है। एंड एक्सप्रेस देयर ग्रैटिट्यूड, और अपना कृतज्ञता अपने टीचर के प्रति दिखाते हैं, टूवर्ड्स दैम, ठीक है, उनके प्रति दिखाते हैं। दे ब्रिंग स्माइल, वो स्माइल लाते हैं ऑन द फेस ऑफ देयर लविंग टीचर्स, जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो उनके फेस पर वो स्माइल लाते हैं। कैसे? बाय डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन स्कूल, और स्कूल के अंदर कई तरह की एक्टिविटीज़ करके अपने टीचर्स को बहुत ज़्यादा खुश करते हैं, है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर समझ में आ गया आपको। ये पैसेज में से था, ठीक है। पैसेज से आप पहले खुद ट्राई करना बच्चों, फिर आप मैच किया करो, इससे आपको जो है ना लर्निंग अच्छी होगी। कॉपी पेस्ट करेंगे ना, फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आंसर इसलिए तो करता हूँ आपके लिए, समझ में आ गया, ताकि आप देख सकें कितना है। अगर आप सिर्फ नोट करेंगे ना, फिर अभी तो कर लेंगे लेकिन बाद में फिर जब पेपर करेंगे प्रॉब्लम आएगी, है ना। चलो ठीक है, आगे देखिए 5th क्वेश्चन कौन सा। अब देखिए 5th क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट टीचर्स डे।
हम जो टीचर्स डे ना वो कब मनाते हैं? देखो जब हम क्वेश्चन में लिखते हैं ना, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब डू लगानी पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट है। जब हम आंसर देंगे तो डू नहीं यूज़ करोगे आप, लिखोगे वी सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन 5th September। हम 5th September को क्या मनाते हैं? टीचर्स डे मनाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट बोला गया मेक अ पोर्ट्रेट ऑफ योर फेवरेट टीचर्स इन द गिवन बॉक्स। यहाँ पर आपको एक बॉक्स दे रखा है, उसमें आपको अपने फेवरेट टीचर की जो है पोर्ट्रेट बनानी है, नहीं तो आप कोई फोटो लगा भी सकते हैं अगर आपके पास है तो, ठीक है। वैसे बोला गया पोर्ट्रेट तो आप कोशिश करोगे आप ड्राइंग बनाइए, ठीक है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक पिक्चर लगा दी है, ठीक है, अब मेरी पिक्चर है, ऐसे आपको अपने टीचर्स की पिक्चर लगानी है, ठीक है। जैसे मैं आपका टीचर तो मैंने यहाँ लगा दी, आप अपने स्कूल के टीचर जो भी हैं, जो भी आपके फेवरेट हैं उनकी लगा देना आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे देखो। बस डियर स्टूडेंट्स, ये दो ही क्वेश्चन थे, ठीक है, मैंने आपको अच्छे समझा दिए। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अपना पूरा पूरा ध्यान रखना और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पर एक बात और लिखी थी, ये मैंने इसे पढ़ा नहीं था तो इसे मैं पढ़ देता हूँ कि यहाँ पर जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है उन्होंने बोला कि मेरा जो बर्थडे है ना, ठीक है, वो मेरा बर्थडे मनाने की जगह आप मेरे बर्थडे को जो है टीचर्स डे के रूप में मनाइए, ठीक है, तो ज़्यादा मेरे को प्राउड फील होगा, ठीक है, इट वुड बी माय प्राउड प्रिविलेज, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला, तो तब से लेकर अब तक जो है 5 September को जो है वो क्या मनाया जाता है? टीचर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। जी सुन, फिर मिलेंगे। अच्छा, अपना पूरा पूरा ध्यान रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।